असला दोस्तों मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना के लोग बहुत ही दो नंबर हैं ये लोग तो इतने फ्रॉडी हैं कि इनका बस चले तो चांद और सूरज की कॉपीज बनाकर स्पेस को बेचना शुरू कर देंगे वैसे तो आप सबने इन चिंग पोंग लोगों की बहुत सी जाली चीजें देखी होंगी लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको चाइना में बनाई जाने वाली ऐसी दो नंबर चीजें दिखाऊंगा जिसे देखकर शैतान को भी हार्ट अटैक आ जाएगा तो शुरू करते हैं अपना काउंट दोस्तों चाइना के बहुत से ऐसे देखे होंगे, जिनमें और की तरह तीन तीन कैमरे लगाए जाते हैं लेकिन इन मोबाइल की कीमत आईफोन के कवर से भी कम होती है लेकिन क्या आपको पता है कि इन मोबाइल्स में तीन कैमरों का राज क्या है और ये इतने चीप क्यों होते हैं ये वीडियो आप देख रहे हैं जब इसमें तीन कैमरे वाले एक चाइनीज मोबाइल को ओपन किया गया तो मोबाइल रिपेयर करने वाले को मिनी हार्ट अटैक आ गया असल में मोबाइल के था जबकि तो एक ही कैमरा होता है और वेल ये सीन देखने के बाद तो जिस चाचू ने ये चाइना का मोबाइल बाय किया था उनका रिएक्शन कुछ इस तरह से था मेरे साथ अन्याय हुआ है।, अन्या है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा दोस्तों वैसे तो हम सब ज्यादातर मेड इन चाइना मोबाइल हेडफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में ही जानते हैं लेकिन चाइना में दुनिया की हर दो नंबर चीज बनाई जाती है इन्हीं में ट्रैक्टर भी शामिल हैं चाइना के ट्रैक्टर तो लगते हैं लेकिन असल में ये पापा की परियों से भी ज्यादा नाजुक होते हैं ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें जब एक चाइनीज ट्रैक्टर से लोटेड ट्रॉली खेचने की कोशिश की गई तो ये ट्रैक्टर दिल से बुरा मना गया इस मसकिन ट्रैक्टर का स्टेमना इतना कम था कि किसी सस्ते आशक के दिल की तरह टूट गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि खड़े-खड़े ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए थे वेल well, अपना ये हाल देखकर ट्रैक्टर का रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा इस वक्त मेरा दमाख वो हो गया भाई खराब हो जाएगा मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे जाऊंगा दोस्तों आप सबके घर में एक्सटेंशन लीड तो जरूर होगी इसकी मदद से घर के किसी भी कोने में आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती है वैसे नॉर्मली तो ऐसे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बनाया जाता है लेकिन चाइना वाले दो नंबर चीजें बनाने में पूरे प्लेनेट को पीछे छोड़ चुके हैं ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें गरीब बंदा चाइना की किसी थकी हुई वेबसाइट से एक्सटेंशन लीड ऑर्डर करता है पहले तो ये बहुत ही खुश था की इसने सस्ते में बाजी मार ली है लेकिन जब वो प्रोडक्ट रिसीव हुआ तो इस जाली लीड में स्विच तो क्या हाथ भी नहीं लगाया जा सकता था जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस लीड को इतने घटिया मटेरियल से बनाया गया है की हाथ लगाते ही टूट रहा है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये गरीब अभी से चेक ही कर रहा था कि पूरे का पूरा स्विच हाथों में ही चूर चूर हो गया अभी तो इस मशीन ने एक्सटेंशन लीड में वायर तक नहीं लगाई अगर लगाई होती तो हो सकता है घर ही ब्लास्ट हो जाता वेल चाइना की जाली चीजों को देखकर तो मुझे एलेक्स भट्टी भी दो नंबर नहीं लग रहा <गण> थी। 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 हो भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो नहीं मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक दोस्तों अगर क्लॉथ पैक्स की बात की जाए तो ये लॉन्ड्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनके बगैर वायर पर कपड़े सुखाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है वैसे तो ये चुटकियाँ बिल्कुल सस्ती होती हैं और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जाली या डुप्लीकेट वर्जन बनाया जा सके लेकिन चाइना की फैक्ट्रिया जाली चीजें बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दो नंबर चाइनीस क्लॉथ पैक्स दिखाई जा रही है सदके जाए चाइना के इन्होंने तो ऐसा घटिया प्लास्टिक इन्वेंट कर लिया है किससे बनाए जाने वाली चीज हाथ लगाए बगैर ही टूट जाती है वेल well, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी तो आजकल के छक्कों और मम्मी डैडी बर्गर से भी घटिया है आप सबका तो पता नहीं है लेकिन ये चीजें देखकर मेरा तो इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया है कौन है लोग कहां से आते हैं इनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार है ना पैसा है फिर क्यों चले आते हैं हमारे दोस्तों वैसे तो गन्स दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक हैं, लेकिन मेड तो है। इन चाइना तो चलाते हैं तो वो गोली मारने से पहले ही टूट कर हाथ में आ जाती है नॉर्मली तो वेपन बच्चों से दूरी रखी जाती है लेकिन ये दो नंबर बंदूक तो बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगी सोचने की बात ये है की इतना घटिया मेटेरियल ये लोग बनाते कैसे हैं? मुझे तो शक है कि ये चिंग पोंग इतने दो नंबर हैं कि अपने अब्बे को भी थूक लगाने से बाज नहीं आते होंगे ये सच में हमाकत है दोस्तों आप सब ने कभी ना कभी चाइनीज वॉरियर और इनकी तलवारों के बारे में जरूर सुना होगा कहते हैं कि चाइना में दुनिया की सबसे मजबूत तलवारें बनाई जाती हैं और ऐसी तलवारें और कोई नहीं बना सकता लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तलवारें अली बाबा अली एक्सप्रेस और टीमू पर अवेलेबल हैं इन तलवारों से तो किसी का गलत और दूर सब्जियां भी नहीं काटी जा सकती ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स ने टीमू से एक तलवार मंगवाई लेकिन जब इस तलवार से कोका कोला की बॉटल को काटने की कोशिश की तो तलवार आलू बुखार की तरह ठुस हो गई, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि तलवार बिचारी इतनी तकलीफ में है कि अपने बनाने वालों को बदवाए दे रही है वेलिन इन जाली लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से तो इन्हें नरक में भी जगह नहीं मिल पाएगी दोस्तों जब से कोरोना वायरस आया है तब से दुनिया भर में ज्यादा जगहों पर इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है जब इन थर्मोमीटर की डिमांड बढ़ गई थी तो चाइना के कुछ शैम्पू मार्केट में आ गए और ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया कई सालों तक तो किसी को पता ही नहीं चल सका की ये थर्मोमीटर आखिर काम कैसे करता है फिर एक बंदे ने जब चाइनीज थर्मोमीटर को ओपन किया तो इसका गुर्दा गले में आ गया असल में ये दो नंबर जाली थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर चेक करता ही नहीं है के सिर्फ बीप करके स्क्रीन पर नंबर शो कर देता है इवन इन छापरों ने डिवाइस के अंदर कोई चिप तक नहीं लगाई जो टेम्परेचर को बता सकती हो अब इससे बड़ा फ्रॉड और भला क्या हो सकता है

बजाय डिस्क की वो रगड़ कर खत्म हो गई असल में ये डिस्क इतनी थकी हुई थी कि इससे लोहा तो क्या गुब्बारा भी नहीं फोड़ा जा सकता था मुझे समझ नहीं आती कि ये चिंग लोग सबको चूना कैसे लगा लेते हैं ये रियली अनबिलीवेबल है दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या एक अखरोट ऑफिस टेबल को तोड़ सकता है तो यकीनन आप कहेंगे कि ये बात इम्पॉसिबल है लेकिन भाई मेड इन चाइना टेबल्स के बारे में हर चीज पॉसिबल है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जी चिंग पिंग ने जब ऑफिस टेबल पर अखरोट रखकर तोड़ने की कोशिश की तो अखरोट टूटने की बजाय टेबल में ही मोरा हो गया जस्ट इमेजिन कि अगर खुदा न खासा इस टेबल पर कोई भारी चीज रख दी जाए तो इसका क्या हाल होगा वेल well, ऐसी दो नंबर टेबल से तो बेहतर है कि बंदा जमीन भरी चिटाई बिछा ले और वहीं पर काम करना शुरू कर दे दोस्तों दुनिया भर में महंगे से महंगे ब्रांड्स मौजूद हैं एक बात तो माननी पड़ेगी कि ब्रांड्स जो भी चीज बनाते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि चाइना फॉरेन ब्रांड्स पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता बल्कि यहाँ के शू चिंग पिंग लोगों ने तो हर मेजर ब्रांड की डुप्लीकेट कॉपी बनाई हुई है फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर गुच्ची की जगह पुच्ची का स्टोर है और वहाँ ओरियो की जगह बोरियो बिस्किट खाए जाते हैं KFC की OFC है, की जगह ओ है स्टार की जगह सन बक्स नाइकी की जगह बाइकी किट कैट की जगह कैटकॉट और ऐसे लाखों फेक ब्रांड्स हैं जो चाइना के लोगों ने पूरी दुनिया को कॉपी करके बनाए हुए हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़